मेरी प्यारी माँ ने सामान भेजा है किचन का, साथ में आई है साइड टेबल, क्योंकि साइड टेबल पे हमको लगाने हैं लेफ्ट और राइट वाले स्पीकर्स। बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, कौन सी दाल होती है बताओ। ये क्या है? ये क्या राजमा है? एक बटर को टेस्ट खत्म नहीं हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट वाला देते हैं तुम्हें। ये बताओ क्या? चाय पत्ती। चलो पास। ये बताओ क्या? ये वो है। बताओ अभी पता देते तो फंसोगे। ओट्स। ओट्स वो है। ओट्स 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 कुछ भी तुम शायद कुछ और कहते हो उसको हिंदी में। हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं ओट्स को? इसको दलिया, दलिया टाइप। नहीं दलिया तो अलग हो गई। बड़ी मम्मी ने इजी मसाले भेजे हैं, झंझट वाले नहीं भेजे हैं जो इजली बता सके। ये बताओ ओट्स। ये भी ओट्स है? अरे मजाक कर रहे हो, ओट्स नहीं है। ओट्स नहीं है क्या? ये पता नहीं क्या। सोया ग्रैन्यूल। सोया ये तो बता ही दोगे। येलो मूंग दाल तुम बता दोगे। शुगर सॉल्ट, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है शुगर और सॉल्ट का। मम्मी ने लिख कर भेजा, थैंक यू मम्मी। चलो भैया ये मालूम है आपको? हाँ, ये हम जो खाते नहीं है मिर्च, ये हमको दिखा रहा है। बहुत तेज हो रहा है। ये क्यों भेज दिया मेरी माते? बट थोड़ा थोड़ा खाने में तो डलता है हल्का सा। मेन चीजें तो इसमें भी अंदर। अच्छा अभी गए, ये मसाले कुछ कम के लग रहे हैं। ये भी ओके। चलो बढ़िया यार, ये मम्मी ने लिख दिया है ना, जो जैसे खत्म हुआ डायरेक्ट इसी में वापस डाल दिए मंगवा कर। डिब्बे अलग बना दे। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो इम्तियाज और हम लोग निकले शॉपिंग करने के लिए, घर के सामान के लिए। इम्तियाज को दिल्ली बहुत पसंद आ रहा है, बोल रहे भैया हमको तो अच्छा हुआ आप यहाँ पर ले आए। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत, लखनऊ से बढ़िया। गद्दारी कर बे। लखनऊ से बढ़िया। अब लखनऊ वाले फिर कमेंट करेंगे, तुम्हारे सारे जितने फैन बने हैं ना तुम्हारे लखनऊ वाले से, वो बोलेंगे भैया अपने शहर से गद्दारी ना करिए। वो भी बढ़िया है लेकिन ये भी बढ़िया है। लेकिन यहाँ लोग कैसे लग रहे तुम्हें? बहुत बी 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 नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बट दिल्ली वाले दिल वाले नहीं है ना, बहुत कम दिल है यार। लखनऊ वालों से कुछ सीखो यार, हमारा कितना बड़ा दिल है। भैया आपका ऑटो बड़ा कमाल का, पहली बार मैं किसी गेट वाले ऑटो में बैठा हूँ जिसमें गेट लगा है। घर के लिए हमें वो घड़ा लेना ना, घड़ा तो यहाँ पर भी अगर कहीं मिले तो वो भी बता सकते हैं। और वो भी तो लेना है भाई, सब्जियाँ कल आंटी आएंगी खाना बनाने, पहले इतना सारा सामान पकड़ेंगे कैसे। अच्छा हम सॉरी तूफान को अपने साथ ले चल रहे, शेरा चल रहा है हमारा, शेरा चल रहा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आंटी आपका नाम क्या है? नाम तो बताइए, बहुत सारे लोग आएंगे आपसे मटके लेने। यहाँ पर आपको राधा दीदी मिलेंगी, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के बगल में। सबसे सही इन्वेस्टमेंट अगर किसी को गर्मी में करना है, ठंडा पानी का फ्रिज का ना पीकर मटके का पिए, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और सब स्वस्थ भी रहेंगे। इसमें सरफ से नहीं धुलना है इम्तियाज? ये क्या तुम बोल रहे हो, सरफ से धुलना है? सरफ से नहीं धुलना, सरफ से नहीं धुलना है। आंटी बहुत गुस्सा कर रही थी, सिर्फ पानी को खंगालना है, आपको रगड़ना भी नहीं है। प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया, आलू ले लिया, अदरक ले लिया, लहसुन ले लिया, हरी मिर्च तुम्हें डलवानी तो डलवा लो, नींबू ले लिया, एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, पपीता ले लिया, अब उसके अलावा कुछ बचा है? अब बताओ परवर की जब सब्जी बनवाएंगे तब। अभी मैं ये सीख रहा हूँ कि कौन सी सब्जियाँ फ्रिज में रखी जाती है, कौन सी सब्जियाँ फ्रिज में नहीं रखी जाती है। और भाई दिल्ली में गर्मी बहुत है यार। 800 दे दे, बहुत महंगी हो गई यार सब्जी। हमको पता नहीं था कितनी सब्जियां महंगी होगी। पहली बार सब्जी खरीदने आया हूं ना आपके पास। कुछ महंगाई हो रही है, अभी गर्मी और आने दो और महंगी होगी। ठीक है, इससे ज्यादा गर्मी क्या होगी? 43-44 नहीं है, बरसात हो जाने ना। वाला जो 50-60 रुपए किलो भैया चल रहे हैं ना, उससे थोड़ा और महंगा हो जाएगा। हम लोग कम से कम सोचते कम से कम अच्छा, ये आप यकीन नहीं मानोगे, ये रोजी पड़ी है 150 रुपए किलो खरीदा है ये। अच्छा लेकिन 150 मैडम को किए हैं। चलिए ठीक है, भले महंगा कर दिए, बट जैसे मैं सुन रहा हूँ कि कुछ फूड में ये लोग केमिकल वेमिकल डाल रहे हैं, वो तो आप नहीं रख रहे करते ना? नहीं लाते भैया, हमारा और कपूर सर का आजादपुर से माल आता, बाकी सबका मेरा भी ओखला से आता है। चलिए बस वो ना करिएगा, बस वो ना करिएगा भैया। वेलकम बैक गाइज, आज बहुत मैं खुश हूँ। खुशी का रीजन ये है कि आज हम लोग, मतलब मैं और इम्तियाज आज खा रहे हैं 10 दिन बाद। कितने दिन हो गए? 10 दिन तो हो गए होंगे। 10 दिन बाद हम लोग घर का खाना खा रहे हैं फाइनली। ये वो भी मम्मी के हाथ का नहीं, बट हमारी कुक फाइनली लग गई है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं खाने में क्या खा रहा हूँ। फाइनली ढूंढ रहा है कि भाई हमने बर्तन वर्तन कहाँ रखे हैं इसमें, क्योंकि अभी थोड़े अरेंज नहीं करे, बट हाँ अरेंज करेगा ये। आज खाने में बना है हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स ही बना है, राजमा, राजमा एंड साथ में राइस एंड साथ में पराठा और रोटी। बोला आज मजा आ जाएगा, आज बहुत खुशी का मौसम है। आज केक वेक काटते हैं हम लोग भाई, कि 10 दिन बाद हम लोग खा रहे खाना घर का। और इम्तियाज काट रहे हैं मेरे लिए करेंटली खीरा, देखें कैसे खीरा काटते हैं इम्तियाज। आता भी है इसको या नहीं आता है?
ये कचरा हम लोग यही रखते हैं इम्तियाज? नहीं, तो एक प्लेट नीचे क्यों नहीं लगा रहे हो? चलो ठीक है, इम्तियाज को नर्वस नहीं करेंगे ज्यादा, बट हाँ जब तुम जाओगे घर वापस, तुम्हारी बीबी बोलेगी भैया थैंक यू वेरी मच कि भैया आपने तो मेरे पति को पूरा मतलब ट्रेन कर दिया, अब ये खाना आना भी बनाना सीख गया, अब तो मेरी और सेवा करेगा। और मैं बाहर की बात करूँ तो इतनी ज्यादा धूप है, इतनी ज्यादा धूप है, ऊपर ये देखे हमारे छत में टंकियां लगी, बाप रे दिखा भी नहीं पा रहा, इतनी धूप डायरेक्ट आ रही है, मतलब अब दिख रही होगी, उसमें से एक टंकी फट गई है। इस टंकी से क्या होता है कि यहाँ वाली टंकी से निकल के जो इस साइड टंकी लगी है मेरी वाली टैंक में पानी आता है, तो ये धूप के कारण ये टंकी आज एक फंस गई है, तो इसलिए अभी तक मैं नहा नहीं पाया हूँ क्योंकि पानी की बहुत शॉर्टेज है और पानी बहुत गर्म भी है। बाय द एंड ऑफ द डे आज रिपेयर हो जाएगा, बट यार पानी इतना गर्म होता है ना, पता है मैं उससे नहा रहा हूँ आजकल बाल्टी मग्घा भर के, पुराने वाले दिन मेरे को याद आ रहे, इतना गर्म पानी होता है वो भरना पड़ता है बकेट और मग्घा, उससे मैं नहा रहा हूँ और उसमें आइस डाल रहा हूँ हल्की सी, कभी अगर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा है रख तो दे रहा हूँ वैसे मैं 2-3 घंटे के लिए, बट इसी बहाने मेरी एक्सरसाइज भी हो जा रही है। बट हाँ ठीक है, हर चीज का एक्सपीरियंस हो रहा है और मजा आ रहा है। भूख बहुत जोर से लगी है मेरे को, बहुत जोर से भूख लगी है और पहले हम लोग लेते हैं राइस, हाँ डाल दो लेमन डाल दो इसके ऊपर। आज मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला हूँ कि दिल्ली में जो मेरी कुक हैं उनसे मैं आपको शाम को मिलवाऊंगा कि उन्होंने कैसा खाना बनाया है। बहुत ज़्यादा चावल हम लोग नहीं लेंगे, मैं इतना ज़्यादा नहीं खाऊंगा, और इसमें हम लोग डालेंगे राजमा। स्मेल्स नाइस, रियली रियली वेरी नाइस। और ऊपर हम लोग डालेंगे इसके प्याज, मम्मी कहती हैं कि प्याज के बेटा ये हटा दिया करो ये वाला पोर्शन, एंड हम लोग अब इसको करेंगे मिक्स। And I'm ready to take the first bite. Let's see कैसा रहता है। Smells really very nice. बहुत ही परफेक्ट बनाया, मतलब जैसे मैंने आंटी को कहा था कि ज्यादा मसालेदार ना हो और ज्यादा नमक ना हो और स्पाइसी ना हो, वैसा बनाया। इम्तियाज तुम खाकर बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, आंटी ने कैसा बनाया? तुम्हें शायद फीका लगे, है ना? फीका लगा ना तुम्हें? नमक डाल लो तुम, क्योंकि हम कम नमक खाते हैं ना। बट मसाला वसाला उन्होंने मतलब ब्लेंड हो गया, ऐसे मुंह में अलग से नहीं आ रहा है। बढ़िया, डांट रहे हो या तारीफ कर रहे हो? बढ़िया है। किसी चीज को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे महसूस करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। सो एक नए कंटेस्टेंट है हमारे घर में, जो आंटी है जिन्होंने सुबह मेले राजमा चावल बनाया था। आप बताइए इसका मतलब क्या है आज? मतलब कि महसूस करने के लिए। हाँ, मतलब कि किसी चीज को आपको समझना है या किसी चीज की नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आपको, जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी आप समझ पाएंगे। और उसको महसूस करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, और मैं अच्छा इंजीनियर तभी बन पाऊंगा जब मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करूंगा, 2-3 लोगों के अंदर काम करूंगा, वैसे प्रोजेक्ट करूंगा। तो यही लिखा है कोट में, ये एक्चुअली मैं रोज कोट ये पढ़ता हूँ अपने यूट्यूब में। ओके, आपने बाय द वे बहुत अच्छा बनाया था राजमा चावल, बहुत पसंद आया। चलिए तो आज देखते हैं आप डिनर में क्या बना रही हैं। आपका नाम क्या है तो बता दीजिए? नाजमा। ठीक है नाजमा आंटी। चलिए आंटी बना रही है हमारे अंडे की भुर्जी, बहुत बढ़िया लग रही है आंटी। मैं सिर्फ व्हाइट पोर्शन की खाता हूँ, येलो की नहीं खाता हूँ, येलो की इम्तियाज खाएगा, बॉडी बनाएगा। चलिए आपसे कुछ बातें करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसे पूरा कम्प्लीटली सब कुछ मैनेज करना, मतलब घर से लेकर खाने से लेकर अपनी हेल्थ से लेकर सारी चीज़ें खुद करना, मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और स्पेशली दिल्ली में लोगों से निपटना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अभी तक लगे कि बहुत चालू टाइप के लोग हैं और बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड बहुत सारे हैं। बट मैं आपको बस ये अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें आप मेरे कमेंट्स में पूछ रहे हो, मैं सारी चीज़ों का आंसर करूँगा, बस मैं थोड़ा इतना ऑक्यूपाइड हूँ सारी चीज़ों में, सब कुछ कर रहा हूँ, और आप देख रहे हो यूट्यूब भी वापस मैंने स्टार्ट करा है रेगुलरली, तो बस मैं कहूँगा कि मेरी ऑडियंस में से कनेक्टेड रहे और पेशेंस रखें, सारे आंसर सारे क्वेश्चन सब कुछ पता चल जाएगा टाइम के साथ, सारी चीज़ें सब हो जाएंगी, तो पेशेंस रखिए। आप लोग बस यूट्यूब को एज एन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लीजिए, मेरे व्लॉग्स देखिए और इन्जॉय करिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। आगे जैसे कि मैंने बोला कि और भी बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा कंटेंट आएगा, बहुत सारे यहाँ पर लोगों से हम लोग मिलेंगे, बहुत सारे फैंस से मिलेंगे, उनके साथ भी चैलेंजेस करेंगे। बस मैं इस वक्त आपका बस चाह रहा हूँ सपोर्ट, और मेरे को पता है आप लोग सपोर्ट करोगे, और बस मैं चाह
चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत पेशेंस रखें, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कुछ ना फैलाएं, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव ना बोलें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे कोर फैंस हैं, जो ग्लैम फैमिली के मेंबर्स हैं, जो पुराने चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं बस ये कहूँगा कि कोई नेगेटिविटी या किसी के लिए कुछ गलत मत बोलूं, और अपना प्लीज सब लोग काम डाउन हो, हर चीज को टाइम देना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड ना हो जाओ किसी भी चीज के लिए या किसी भी कंक्लूजन पे जंप मत कर जाओ, बस आप इंजॉय करिए ब्लॉग को और मेरे को एनर्जी दीजिए, बूस्ट अप करिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे ब्लॉग बना पाऊँ। यार इतने टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा बूस्ट अप चाहिए यार आप सबका। सो गाइस फाइनली आज तो मजा आ जाएगा यार, घर के खाने के लिए मैं इतना तरस गया था सीरियसली। बट हाँ, जो मम्मी के हाथ का खाना होता है वो तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, बट फिर भी जो हाइजीन होता है, जो तेल हम लोग यूज करते हैं, जो मसाला इसमें डलता है वो अपने हाथों से डलता है, एंड जो मेरी कुक भी है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब अभी तक मेरे को लगा कि उसका नेचर वेचर बहुत अच्छा है। आपको कैसी लगी कुक नीचे कमेंट करके बताइए। ये जो उन्होंने अंडे की भुर्जी बनाई है, जनरली मम्मी ऐसे नहीं बनाती, तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट है ये। मतलब जनरली ऐसी बनाई है, खा कर देखते हैं, बट ये भी स्टाइल मेरे को अच्छा लगा। पराठा भी स्क्वायर शेप में, ये भी मेरे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को स्क्वायर शेप का पराठा बहुत बढ़िया बनाया यार। इसका बनाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। इम्तियाज की यही कम्प्लेन थी कि भैया थोड़ा मैले तीखा होना चाहिए, तो नमक तुम डाल लेना अलग से, बट जो ये बना रही है मतलब इनफैक्ट मेरे को डिफरेंट है, जैसे घर में भी जो खाना बनता है ना उससे मेरे को डिफरेंट टेस्ट आ रहा है, और बेसिकली सब कुछ ब्लेंडेड है, कोई मसाले का अलग से टेस्ट नहीं आ रहा है। सो गाइज इसी के साथ आ गए हैं हम वीडियो के एंड में। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, और वो कुछ होने वाला है इम्तियाज के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, और जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था कि अब इस वीडियो से मैं शॉर्ट आउट दूंगा, सो आज का शॉर्ट आउट जाता है मुस्कान चौधरी। सो शॉर्ट आउट टू मुस्कान चौधरी। सो गाइज जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम व्लॉग में, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तुम भी बोलो इम्तियाज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये हुई ना बात। बाय।